बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं। हर चीज में बहुत जल्दबाजी करता हूँ मैं, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैंने गन देखी सुनो, और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये काम दिन दहाड़े हुआ है बैंक की पार्किंग में। सॉरी, पर उन्होंने मेरी बैंक लूट ली। अरे चुप। इतने में ड्राइवर कार से बाहर आकर हमारी तरफ आने लगा। वो बिल्कुल मेरे निशाने पर था। शुक्र है कि वो ड्राइवर हमारी तरफ नहीं आया। वो पैसे के लिए आया था, जाहिर सी बात। उसने वो बैग छीना और कार की तरफ भागा। सब लोग देख रहे थे, वो कुछ करता इससे पहले मिस्टर पैंथेरोस चिल्लाए कुछ इस तरह। ये ऐसे बोले, लैरी तुम डरना नहीं, ओके? हाँ, तो उतने में वो ड्राइवर वहाँ से भागा। उसने शायद सोचा कि वो वहाँ से निकल जाएगा, मगर कहीं से एक छोटी सी कार आ गई और अचानक से बूम। मेरी गाड़ी छोटी नहीं है, ओके? वो एक छोटी गाड़ी है, पर उससे अपना काम किया है ना। ये कहानी तुम बताओगी या मैं खत्म करूँ? चलो छोड़ो। मैं बाहर आई, उसकी तरफ भागी और मैंने उसे बेहोश कर दिया जब वो गाड़ी से बाहर निकल रहा था। वो एक हेयर स्प्रे था, वो कोई बेहोश करने वाली चीज नहीं थी। मैंने उसे बेहोश कर दिया और वो भाग नहीं सका। तब मैंने अपना काम किया, उतने में वहाँ पुलिस आई और उसे पकड़ लिया और हम सुरक्षित हो गए। बिल्कुल, है ना? और ऐसे ही हम मिले। हम पुराने शादीशुदा जोड़ों की तरह मैं तुम्हारे बच्चों के लिए परेशान हो रही हूँ, है ना? हमने तो अब तक शादी भी नहीं की, तो ये बच्चे कहाँ से आए?